छोटी सी 3-4 साल की बच्ची अगर संकल्प ले लेती है कि मेरे जीवन में मैं भोजन की थाली में झूठा अन्न नहीं छोड़ूंगी, अन्न का बिगाड़ मैं नहीं करूंगी, तो बहुत बड़ा परिवर्तन देश के अंदर आ सकता है। संकल्प लेने का वर्ष है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी की स्थापना ही महान भारत की रचना के लिए हुई है। हम सत्ता के लिए राजनीति में आए हुए लोग नहीं, हम विचारधारा से बंधे हुए लोग हैं, और हमारी विचारधारा महान भारत की रचना की विचारधारा है। ये संकल्प लेने का वर्ष है। अगर 130 करोड़ लोग इस आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर एक छोटा छोटा संकल्प ले, तो इतना बड़ा परिवर्तन इस देश में आ सकता है। संकल्प भले व्यक्तिगत हो, एक छोटा सा 10 साल का बच्चा कह देगा कि मैं जीवन में कभी ट्रैफिक के नियमों को नहीं तोड़ूंगा, और पूरा जीवन अगर वो नियम नहीं तोड़ता है तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। एक छोटी सी 3-4 साल की बच्ची अगर संकल्प ले लेती है कि मेरे जीवन में मैं भोजन की थाली में झूठा अन्न नहीं छोड़ूंगी, अन्न का बिगाड़ मैं नहीं करूंगी, तो बहुत बड़ा परिवर्तन देश के अंदर आ सकता है। अगर हम तय करते हैं कि मेरे रूम से बाहर जाने से पहले लाइट, पंखे और एसी की स्विच हम बंद कर देंगे, तो देश में बहुत बड़ा परिवर्तन है। महान काम करने की जरूरत है, आपके भाग्य में होगा तो आप भी करिएगा, मगर छोटे छोटे काम हम सब कर सकते हैं, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर 130 करोड़ लोग इस प्रकार का संकल्प लेते हैं, तो 130 करोड़ संकल्प का संपुट मां भारती को महान बनाने से रोक ही नहीं सकता, विश्व में हमारा उचित स्थान हमें मिलना ही मिलना तय हो जाएगा। मित्रों, यहां पर मोदी जी ने ढेर सारे काम किए, मैं गिनाऊं तो बहुत लंबा समय जाएगा। जल जीवन मिशन में 66,000 परिवार को शुद्ध पीने का पानी दिया है। स्वनिधि ये छोटे से राज्य क्षेत्र में 100% पहुंची है। हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड या 100% इंप्लीमेंट हो चुका है। आज ही मैं 29 स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण करने कर आया, इसको मिलाकर 129 स्वास्थ्य सेहत केंद्रों की स्थापना कर दी गई है। अब कहीं पर भी एक भी नया स्वास्थ्य केंद्र बनाने की जरूरत नहीं है। कैरोसिन मुक्त हमारा अंडमान निकोबार हो गया है। हर घर में गैस पहुंचा दिया गया है। हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। शहरी क्षेत्र में भी हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम हो गया है, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का 11,500 लोगों को 5 लाख तक की सुविधा का सारा फायदा पहुंचाने की शुरुआत हो।